बात ये कि मैंने वो मकान खरीदा तो उसके बाद में मैं वहाँ पे रहने के लिए गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक तहखाना है मैडम। रात को उस तहखाने से घुंघरों की आवाज आती है मैडम। उस तहखाने में चुड़ैल रहती है, ये इनको बेवकूफ बना के वो घर भेज दिया गया है। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है मैडम, मैंने आज तक अपने कानों से ये आवाज नहीं सुनी। जो कुछ भी सुना सिर्फ दूसरों से ही सुना है। दोस्ती कर रहे बालो अच्छी। चाचा क्या FIR लिखानी है? हाँ मुझे FIR लिखना है। हाँ आजा आजा इधर आ, परशुराम इनकी FIR लिखो। वाह वेरी नाइस। इनकी तो रामी मालिक है लेकिन आप भी सर इतना पपल गए हैं कि मतलब हंसी झेप सब एक साथ इमोशन लीक हो रहे हैं। हम डर नहीं रहे मिस्टर डाला, हम आपको लग रहा है हम डर रहे हैं, हम डर नहीं रहे। वो क्या ना हम हंस भी नहीं रहे। वो हमें हमें बुखार चढ़ गया है तो कभी हंसी निकल रही है कभी डर निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सर गर्म हो गया है। वेल सर डोंट सेट झूठ इज द आपके पसीने के से छूट इज द। मैडम अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उस तहखाने में एक चुड़ैल है। महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर है। तहखाने में चुड़ैल है या ना है वो तो तहखाने के अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा ना। नहीं 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 मैडम अब नहीं जाना है वहां पे। मैडम प्लीज आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए लेकिन हम उस तहखाने में नहीं जाएंगे। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम मेरी एक बीवी है मैडम, आप समझती नहीं है, एक बीवी है, दो पड़ोसन है, एक बच्चा है। मैडम मुझे कुछ हो गया तो उन चारों का क्या होगा? तने कोई ना कह रहा है जाने के लिए, चुप बैठा रहे। मम्मी जी मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी, अब ये मेरी उम्र थोड़ी है चुड़ैलों के साथ मेल जोल करने की। हाँ हाँ थारी उम्र तो जो है लप्पी लूथरा से मिलने की है और पड़ोसनों को बाइक पे बैठा के और स्कूटर में बैठा के गोलगप्पे खिलाने की है। कैरी ऑन। मैं जाऊंगी और साथ में सर जी जाएंगे। yes! हाँ हम जाएंगे आपके साथ मिस चौटाला, हम जाएंगे डरपोक लोग। yeah! अगले हफ्ते जाएंगे। क्यों सर इस हफ्ते आपकी हल्दी मेहंदी सगाई या शादी की सेरेमोनी है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअली क्या है ना मिस चौटाला, कमिश्नर साहब ने हमें बोला है वहां जाकर एनकाउंटर करने और पास में। ठीक है सर आप कमिश्नर साहब को तेल लगाइए और तुम दोनों जो है अपनी पड़ोसनों को घुमाओ, मैं जाऊंगी अकेली। लेकिन मैडम तहखाने के दरवाजे पे तो बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हाँ तो इस दुनिया में हर ताले की एक चाबी हो है। लेकिन मैडम इसकी चाबी नहीं है, महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। नहीं है तो बनवाएंगे, बनवाओ चाबी, बुलवाओ एक चाबी वाले को। ओके मॉम। आइए आइए फॉलो हिम। मॉम शी इज द चाबी वाला इज द फिल्म संगम में थी वैजयंती माला इज द। मैडम मैं हूँ चुन्नू चाबी वाला, चाबी लगा के खिचक पिचक। वेरी नाइस भाई, एक ताला है जिसकी हमें चाबी बनवानी है। क्या बात कर रही है मैडम, हम चाबी तो बनाते हैं। ज्यादा यहाँ लाड़ में ना तू। देखो जो भी मैडम पूछ रहे हो फटाफट जरा खुल के बोल डालो, अपने बंद फाटक को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की। तो प्रियंका कातिल कैटरीना ये आगे का बोल, मतलब बहुत ही गुस्से वाली हैं। हाँ हाँ तो मैंने कब मना किया, चाबी लगा के खिचक पिचक। देखिए मैडम
आप जैसा भी ताला कहेंगे, जो भी ताला कहेंगे, हम खोल देंगे चाबी लगा के खिचक पिचक। एक तहखाना है, उस पे एक पुराना, काफी पुराना ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी बनवानी है। अरे मैडम तहखाना क्या, हम तो कोई भी ताला खोल देते हैं खिचक पिचक। देखिए क्या है, वो अपने सेठ करोड़ी वाले ना, जिनकी दुकान लुट गई थी, मैडम लुटेरों ने उनकी दुकान के ताले की चाबी हम ही से बनवाई थी। और वो धन्ना सेठ कोऑपरेटिव बैंक, मैडम उसकी चाबी भी हम ही ने बनवाई थी, तब जाके 2 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी खिचक पिचक। वेरी गुड टू नो, ऐसा है इसके खिलाफ एक FIR लिखो और इसको अंदर डालो, इससे सुराग मिलेगा उन डकैतियों का। चलो डालो इसे अंदर। अरे अरे अरे, अरे मैडम ऐसा चलो मत कीजिए। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, मेरा क्या है कि हम तो चाबी बनाते हैं, अब चाबी बनवाने वाला क्या करता है उस चाबी का हमें क्या पता। देखिए मैं बताता हूँ, आप मुझसे कह रही हैं कि तहखाने का ताला खोलना है, अभी क्या पता मैडम उस तहखाने में क्या है। मेरा मेरा मतलब है कि सोना चांदी धन दौलत कुछ तो हो सकता है ना, है कि नहीं। बहुत एक्स्ट्रा बात कर रहा है तू यहाँ खड़ा खड़ा, इसके साथ जा गोपी के संग और जाके जो है ताला देख बढ़िया से और सही चाबी बना, और खबरदार किसी ने वो ताला खोला तो आज रात मैं जाऊंगी ताला खोल के तहखाने के अंदर। जी मैडम। जा गोपी लेके जा। ओके जाओ यार, फॉलो हिम। चलो मैडम आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सचमुच उस तहखाने के अंदर जाएंगी? हाँ जाके देखूं तो सही कौन आंटी नच रही है वहाँ। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए मैडम, बहुत डेंजरस है मैडम वो। मैडम वहाँ वो चुड़ैल जो है वो ऊपर रहने वाले लोगों का बैंड बजा रही है, मैडम आप तो फिर भी तहखाने के अंदर जा रही है, कहीं आपका ऑर्केस्ट्रा ना बजा दे तो मजा आएगा, मजा आएगा। तब तो लगता है मैडम को सर ही रोक सकते हैं। सर सर सर, आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी ना? हमारी एक ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई, और हमारी दूसरी ड्यूटी ये है कि हम आपको उस तहखाने में जाने नहीं देंगे। ओहो सर, आपको तो बेरा ये है कि जब मैं एक केस अपने हाथ में लेती हूँ तो उसे निपटा के ही छोड़ती हूँ, लेकिन इस केस को निपटाने के चक्कर में आप निपट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? के कहा सर आपने? हमारा मतलब है कि हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? तो आप मन ने इसलिए जाने ना दे रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? मिस चौटाला मत जाइए ना प्लीज। सर अगर कयामत भी आ गई तो भी मैं लौट कर आऊंगी, आप बस हमारा इंतजार करिए। Not, 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 not.
लेडीज एनीबॉडी जिंदा है मैडम, आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्यों बे? तैने के लगा मैं स्वर्गवासी हो गई हूँ? क्या? मैडम, मैडम आप उस तहखाने में गई थी? होश में आने के बाद? ना तो वहां कोई चुड़ैल चीखी, ना वहां कोई घुंघरू बजे, ना वो नाची डांस करी, और ना तो एनीथिंग एल्स। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप? अरे इसी चक्कर में तो मैंने अपना मकान इस राजू को बेच दिया, पूरी नमकीन है। मैडम ऐसा भी हो सकता है कि जब आप तहखाने में गई तब वो चुड़ैल तहखाने से बाहर निकल के ऊपर इनके घर में चली गई हो? क्यों भाई, चुड़ैल मन ने देख के डर गई? मैं चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक दिखे हूँ? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तहखाने में गई तो वो चुड़ैल वहां नहीं थी, मतलब वो गई कहाँ? या वेयर इज ही? या दिस वन। अबे कोई होगी तब तो मिलेगी ना चुड़ैल। मैडम आपका कहने का मतलब ये है कि क्या मैं घुंघरू बांध के नाचता हूँ? या मॉम, आई हियर चुड़ैल की साउंड इज द अमीना बाद में मिल रहा है डिस्काउंट इज द। हाँ मैडम हम वहां गए थे मैडम, उस चुड़ैल ने हमसे पूछा भी था केमो नाचो। ये सब ना कुछ बहम वहम है, कोई नहीं यार होता ही ना है भूत प्रेत। मैं कह रही हूँ ना तू आराम से रहे अपने घर में, कोई बात ना है। नहीं मैडम मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुझे मालूम है कि वहां पे चुड़ैल है और है। सोनिया मक्कर मेरी साली है। हाँ हाँ राजू भाई, हाँ आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो और मैं इसमें आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं इस बात का गवाह भी हूँ क्योंकि वो आवाजें मैंने भी सुनी है होश में आने के बाद। अभी यार जब सब इतने कन्विंस्ड हो रहे हो तो तू एक काम कर, अपना घर बेच दे कहीं और शिफ्ट हो ले। जैसे इसने तैन चेप दिया तो किसी और ने चेप दे। ठीक है मैडम, तो आज की रात में देखूंगा। अगर आज की रात उस चुड़ैल ने मुझे डराया और मुझसे पूछा के मैं नाचो मेरे संग नाचो तो कल ही मैं ये मकान बेच दूंगा। सनी जुनेजा मेरा साला है। हाँ तो बस ठीक है फिर निकलो, हो गया। अरे लेकिन इस तरह तो मकान कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हो गया डिसाइड, हो गया यार, क्यों खींच रहे हो इस केस को? चलो जाओ यार, हो गया, चलो बस चलो उधर से जाओ, चलो मेरे साथ आओ। पूरी नमकीन है। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लानिंग? इज द प्लान इज दिस इज द कि आज रात खुलेगा तहखाने का राज इज द। मैडम तो कह रही थी यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो बोल रही है केमो नाचो केमो नाचो। मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो। मैं ये मकान छोड़ दूंगा,
कल सुबह में यहाँ से निकल जाऊंगा, भले मुझे इसके 5 रुपए भी क्यों ना है, मैं ये मकान बेच दूंगा। Yes! सनी जुनेजा मेरा साला है। मजा आ गया सपना। थोड़ा कम डराया करो, कहीं मर ना जाए, फिर साइन कौन करेगा? अच्छा हाँ, अब लगता है हमारा काम बन जाएगा। हाँ? क्या मोना चू? क्या मोना चू? कौन है आप? मैं बंगाल का एक भूत है जो बहुत टाइम से भटक रहा था। अपने दो भूत फ्रेंड्स के साथ भटक रहा था। ओमी भूत मुखर्जी, मैं हूँ भूत चौटर्जी। और अभी इधर वही होगा जो होगा हमारा मौजी। क्या मोना चो? बहुत हो गया नाच गाना। इन लोग ने इतना अच्छा भूतिया माहौल बनाया कि हम तीनों भूत इधर आ गया। क्योंकि हम है भटकती आत्मा जो कर देती है इंसानों का खात्मा। क्यों चौटर जी? यस मुखर्जी, हम लोग भटकते भटकते वहां पहुंच जाते हैं जहां भूतिया हो माहौल, शोले में ठाकुर ओढ़ता था शॉल। अभी बातों का टाइम खलास खलास हो गया है, अभी हम इन दोनों को खाएगा। यामी हमें छोड़ दो, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, जी लालू की कसम। हम तो सिर्फ राजू रस्तोगी को यहाँ से डरा रहे थे क्योंकि इस घर से उसको डरा डरा के हम भगाना चाहते थे होश में आने के बाद, ताकि इस मकान को हम भूतिया साबित कर दें और इसे कोड़ियों के दाम भी खरीद लें। जी रालू की कसम। गर्मी बहुत है भाई। हाय, माइसेल्फ चंद्रमुखी चौटाला और इसे कह हुए हैं बयान यानी कन्फेशन यानी इकबाले जुर्म जो तुम दोनों ने करा है और जो कि रिकॉर्ड हो गया है। वहां देखो, वो जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा में लगा गई थी जब उस दिन आई थी ना मैं अकेली तब। राजू आजा आजा। मैडम आप लोग यहां? सचिन, भाभी, सपना, तुम? भाई ऐसा है, वो जो थारी थी ना चुड़ैल भूतनी, वो और कोई ना है, वो थारे इस कहीं पड़ोसी की बीवी सपना है। What? इन दोनों ने वो सब मियां बीवी ने जान बूझ के करा ताकि तू ये जो मकान है इतना बड़ा आलीशान एकदम सस्ते में कौड़ियों के दाम में बेच के भाग जाए और ये लोग इस घर को खरीद के ऐस करें। क्यों भाई? भाई तुम दोनों ही जाओगे जेल, रेडी हो जाओ, वहां खूब भूत भूत खेलेंगे, खूब बढ़िया, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया चुड़ैल ट्रीटमेंट दूंगी, डोंट वरी। और तू राजू बेटा
टेंशन फ्री हो गया अपने इस घर में रह। कोई भूत प्रेत ना होता है, ईश्वर की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई शक्ति ना है, समझा? थैंक यू वेरी मच मैडम। तो मैडम मैं मेरी बीवी को भी बुला लेता हूँ, अमित आर्यन मेरा जीजा है। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन एक बार अपनी बीवी को बुला लो, फिर हमें भी बुलाओ यार कुछ खाने वाने पे। मतलब तुम्हारी बीवी खाने में अच्छा बनाती क्या है यार? मतलब आलू के पराठे या छोला भटूरा, पालक पनीर, कोफ्ता खीर या मसाला पापड़। भाई उससे पहले जरा स्टार्टर में खा लो एक एक झापड़। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।